सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। लाइफ में सब कुछ बड़ा होना चाहिए, तो खाना क्यों नहीं? Hi guys, I am Priyanka and today I will be trying biggest foods. Come on, let's get started. Guys, biggest food challenge ले तो लिया है, पर यहाँ जयपुर में biggest food कहाँ मिलेगा ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो चलिए भाई, मैंने सोचा है कि आज मैं सारे biggest food बनवाऊंगी। भाई असली चैलेंज तो वही है ना, तो आ जाओ ये देखो, यहाँ पे मिल रहे हैं छोले भटूरे। एंड मैं कोशिश करती हूँ भैया से कि मुझे इतना बड़ा भटूरा बना के ऐसे पेश कर दे। लेट्स ट्राई अल्लाह। आ जाओ आ जाओ भैया, छोले भटूरे मिलेंगे? अरे क्या बात है, इनके मैं छोले भटूरे खा चुकी हूँ, मुझे याद आ गया। पहले तो कहीं और दुकान लगाते थे, अब यहाँ आ गए। अच्छा एक, अब कितने के हो गए छोले भटूरे? कितने के? 30 रुपए के। एक प्लेट में कितने? 2 भटूरे। 4 भटूरे का एक भटूरा बनाना, तो एक इतना बड़ा, तो 1, 2, 3, 4। उरी बो, उरी बो, बो। 4 इतना बड़ा भटूरा बनाओगे? तो चलो भैया लगा दो हमको चगा चगे, 4 भटूरे का एक भटूरा। मैं आपकी मदद करा देती हूँ। क्या मदद कराओगे? एक आप ही बना के दिखाओ। तो पहले 4 भटूरा ऐसा करो, आप डालो मैं तलते हो, थोड़ा तेल और डालो। भैया मैं इतना लंबा भटूरा बेल नहीं पाऊंगी, बीच में छेद निकल गया। आप इसमें तेल और डालो तभी तो भटूरा फूलेगा मेरा। देखिएगा 4 लोइया, ये तो 3 हो गई, आए गए चौथी। अब ये भटूरा कहाँ जाएगा? ये भटूरा सीधा कढ़ाई में जाएगा। भटूरा बनाना, इसका केक मत बना देना। देखो और खींचो, और खींचो, खींचो इसको, खींचो, नहीं तो मोटा कद्दू बन जाएगा। हमें तो पतला भटूरा, लंबा भटूरा। तो मैं कह रहा हूँ ये क्या करा? अरे नहीं नहीं भैया देखो, थोड़ी देर में प्रैक्टिस में आएंगे। अब सेट होने दो इसको। सेट होने दो? सेट क्यों होगा, लड़की थोड़े तो सेट करनी है। भटूरा है, लड़की नहीं है, सेट नहीं है, वो अभी बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? ऐसा ही तो है। ये मुझे लग रहा है अच्छा बन रहा है। ये देखो सही गया। अरे अरे गया कढ़ाई में। ये फुला फुला, इसको फुला भैया, ये फूलना चाहिए, पापड़ नहीं बनना चाहिए। फूल जा रे, फूल जा, प्लीज फूल जाओ, फूल जाओ, फूला फूला फूला। ओह क्या बात है, मेरा भटूरा फूल गया एकदम। अब सिक भी जाएगा सही, फूल गया तो गजब। भैया क्या गजब का भटूरा बनाया, एकदम बड़ा सारा भटूरा। सो गाइस ये देखिए, भैया ने हमारे लिए बना दिया ये कितना बड़ा बिगेस्ट भटूरा। ओह माय गॉड, आई एम सो टेम्प्टेड टू ट्राई दिस। अभी दिखाती हूँ एक्चुअल में कितना बड़ा है। ये देखो, हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? देखो ये मेरा मुंह के साइज से इतना बड़ा हो गया ऐसा मुझे लगता है। एंड ये एक्चुअली वजन में भी काफी है, 4 लोई का बनाया ना, तो हाय कितना बड़ा बना दिया। थैंक यू भैया आपकी मेहनत के लिए। भैया ने मेहनत करी इसलिए भाई उनके लिए थैंक यू भी। चलिए अब खा के बताती हूँ ये कैसा बनाया है। अब ये फोड़ने का, आइए पास आइए पास आइए। जूम 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 जूम। अरे ये तो फूटा ही नहीं, ये तो पचक गया गाइस। एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा मोटा है। ये तो मोटू मोटू है, मोटू मोटू। छोले लगाते हैं जरा। आई गजब, क्या दिख रहे हैं ना। ओ माय गॉड, इनके जो छोले हैं ना सच्ची एकदम मसालेदार, चटकदार, स्पाइसी स्पाइसी छोले, बड़े मज़ेदार हैं। आपको भी चटक छोले खा रहे हैं ना जयपुर के अंदर, यहीं आना, बहुत बहुत ही अमेजिंग है। एंड इतना बड़ा भटूरा है, मुझे वैसे गाइस लगता नहीं है मैं पूरा खा पाऊंगी। आप शेयर करोगे मुझसे? नहीं। अरे कर लेना ना, इतना सारा भटूरा मैंने कर लिया तो मैं ही भटूरे जैसी होती जा रही। सो गाइस छोले भटूरे थे, बहुत ही फैंटास्टिक थे। अब पता है मैं क्या खाने वाली हूँ? देखो देखो, अब मैं खाने वाली हूँ मेरी फेवरेट पानी पूरी। एंड जानते हैं इस डब्बे में क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। चलो पहले पानी पूरी खाते हैं। आ जाओ भैया, भैया कैसी खिलाई पानी पूरी? हाँ जी 5-10 रुपए। अच्छा इसमें से सबसे बड़ी पूरी छाट के खिलाओगे क्या मुझे? हाँ? कितना गप्पा कितना बड़ा आपके पास? आप खाओगे? हाँ मैं खाऊंगी, मेरे को बड़ा गप्पा एक छाट के। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा है आपका? भैया के हिसाब से ये गप्पा सबसे बड़ा है, पर हम
हम आपको दिखाएंगे हमारे पास इससे भी बड़ा गोलगप्पा है। मेरा गप्पा देखोगे? दिखाऊं? हाँ? नहीं नहीं, मैं दिखाऊंगी अपने गोलगप्पे यहाँ पे। मैं ये देखो, ये देखिए गाइस, भैया ने सही पहचाना, ये है राज कचौड़ी। पर आज हम ना इसको भैया गोलगप्पा बना के खाएंगे। खाओगे? खाओगे नहीं आपको? मैं खा लूंगी ना। अरे मैं खा लूंगी भैया, मैं खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। ये देख रहे गाइस, ट्रूंग ट्रूंग ट्रूंग, ये कितना बड़ा गोलगप्पा। ये देखो क्या मसाला निकला अंदर से, आहा आहा, क्या बात है। बस इतना बहुत है भैया, ज़्यादा मत भर दो, ज़्यादा दो। ये देखो, ये हमारा स्विमिंग पूल। ये देखो हमारे गप्पे में भरा पड़ा है स्विमिंग पूल। और अब मेरा एग्जाम है गाइस इसको खाने का। हो गया बिगेस्ट गोल गप्पा। कैसे खाऊं? इतना बड़ा मैं खा पाऊंगी क्या वैसे? खाओ खाओ खाओ। खा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ खाने की, पर इतना बड़ा मुँह नहीं है मेरा। ये पानी टपके चला जा रहा है। भैया ये तो फूट गया। ओह नो, मेरे तो गप्पा पूरा फूट गया। मुझे लगता है वैसे अभी अभी तरीका है खाने का। देखो गाइस, ऐसे खाऊंगी अपना गप्पा। मेरा तो पूल ही टूट गया, मेरा गप्पा, मेरा स्विमिंग पूल। बहुत ही का बना भैया भैया ने। ये देखिए कितने हिफाजत और कितनी शानदार तरीके से मैं खा रही हूँ। खाऊंगी पूरा, खाऊंगी पूरा, खाऊंगी। गाइस नाउ इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग रियली बिग। कम ऑन, ये देखो यहाँ पे है मेरे पास सबसे बड़ा पिज्जा। दिस इज द बिगेस्ट फूड। सो जस्ट हैव अ लुक, ये है ला पियानोस का मॉन्स्टर फार्म विला पिज्जा। ओ माय गॉड, जस्ट हैव अ लुक। सीरियसली ये कितना ज्यादा बड़ा पिज्जा है। आई कैन बिलीव दैट, यू नो, इतना इतना बड़ा पिज्जा तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और ना ही खाया है गाइस। इसमें मैंने हाफ एंड हाफ कराया है, तो एक तरफ देखिए इसमें लगी हुई, आइए पास आइए, एक तरफ इसमें पनीर की टॉपिंग्स लगी हुई है और एक तरफ मैंने लिए सारी अतरंगी टॉपिंग्स। एंड यू डोंट बिलीव, ये पिज्जा पता है कितना बड़ा है? 2 फुट लंबा चौड़ा पिज्जा है ये। वैसे 2 फुट के तो बच्चे होते होंगे ना, मतलब जब पैदा होते हैं तो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन जब थोड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो 2 फुट के हो जाते हैं। यार एक बच्चे जितना जितना बड़ा ये पिज्जा है। ओ माय गॉड, मेरे को तो उसके देखते ही देखते मेरे होश उड़ गए कि ये मैं खत्म कैसे करूँगी सीरियसली। अभी बड़ा मुश्किल है गाइस इसकी ये स्लाइस निकालना। चलो मेहनत करती हूँ स्लाइस निकालने में, ये वाली निकाल लेती हूँ, ये इनके टुकड़ों टुकड़ों जो है ना इधर टिका देती हूँ। एंड आई होप ये मैं, अरे ये तो टूट ना जाए। तू इसकी स्लाइस भी देख रहे हो? उबर उबर, ये देखो ये चीज़ चीज़ आधी हवा में लटक लटक के आ गई है, इसको मैं तोड़ती हूँ गाइस। ये इस वाले पिज्ज़ा की है, ये देख रहे हैं? बाप रे बाप, ये एक स्लाइस ही पता है मुझे लग रहा है पूरे पिज्ज़ा के बराबर है। हम लोग जो रेगुलर पिज्ज़ा खाते हैं मुझे लगता है उसमें उसमें इतनी बड़ी स्लाइस होती होगी, मतलब इतनी बड़ी स्लाइस का पूरा पिज्ज़ा होता होगा। मुझे डर लग रहा है थोड़ा खाने में। खाओ खाओ खाओ। ओए होए, हाय सच्ची बहुत ही बढ़िया गजब का पिज्जा बना के दिया भैया ने, और परफेक्टली बेक्ड भी है। देखिए एकदम परफेक्ट बेक्ड है। आई होप आपको दिखा दूँ, ज़्यादा टेढ़ा करूँगी तो मेरी चीज़ गिर जाएगी गाइस। ये मुझे लगता नहीं गाइस मैं इसकी एक स्लाइस भी खत्म कर पाऊंगी। आज तो मेरे मम्मी पापा बड़े खुश होंगे कि आज उनकी पार्टी होने वाली है, आज पिज्जा पार्टी करेंगे घर में पिज्जा पार्टी। देखो ये जाएगा पीछे हुड में, अरे बाप रे, आह हो, ये गया हुड में। पहली बार ऐसा कोई पिज्जा होगा जो मेरी गाड़ी की डिक्की में जा रहा है। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, एंड पता है बिगेस्ट डिजर्ट ढूंढते ढूंढते तो मेरे पसीने छूट गए, बट एक बहुत ही बढ़िया चीज ढूंढी है। देखो टड़ा, ये है मेरी बिगेस्ट बॉल। ओ माय गॉड, ये देख रहे हैं, ये एकदम ऐसे मैजिकल बॉल की तरह लग रही है। वो मैजिकल बॉल वो जो अपना फ्यूचर बताती है कैसे, आबरा खडाबरा फ्यूचर बताना। बट गाइस ये बॉल देखो मेरा फ्यूचर नहीं बता पाएगी, क्योंकि मेरा फ्यूचर तो आपके हाथों में। जब तक आप लाइक नहीं करोगे मेरा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को खूब सारा लाइक देना। और अब
अब इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है, ठुक 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 नॉक 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 इसके साथ। अरे अरे गाइस ये क्या हुआ, अरे बाप रे गर्मी में तो ये क्या हुआ, गर्मी में तो मेरी बुआ भी गई हुई, ओह माय गॉड ये क्या हुआ। गाइस हैमर मारने से पहले मेरी बॉल पिचक गई। ये किसने इसकी हवा निकाली, इसकी हवा किसने निकाली यार, ये तो मेरे साथ बड़ी मोमेंट सी हो गई। मैं फिर भी तोड़ूंगी जरूर, हैमर लाइयो तो टाक टाक। अरे नहीं 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 ये तो गाइस पूरी इतना, अरे सूर्य देवता प्लीज मेरी बॉल पचका दी गर्मी में। कोई बात नहीं, बॉल खाऊंगी जरूर, देखो इसके अंदर क्या भरा है। अरे क्या गजब का चॉकलेट भरा है, वाओ, अरे This looks fantastic. Seriously, इतना बढ़िया चॉकलेट केक और चॉकलेट मूस भरा है इसके अंदर, मजा आ गया। बट ये जो मेरा पॉपकॉर्न हुआ है ना, मेरी बॉल की जो हवा निकल गई धूप के चक्कर में। So guys, I hope आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जल्दी जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, बाय।